अस्सलाम वालेकुम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज मैं आपको बता रहा हूं फाइव वेज पांच वे कि मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर कि पांच वो तरीके जिनकी मदद से आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। नंबर वन एसईओ, नंबर टू गूगल एडसेंस, नंबर थ्री कंटेंट राइटिंग, नंबर फोर फ्रीलांसिंग, नंबर फाइव उसके अलावा है यूट्यूब अर्निंग। कि ये पांच वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप घर बैठे गारंटी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले एसईओ, कि एसईओ के जरिए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सपोज है कि आप एसईओ का कोर्स करते हैं, अपनी महारत और स्किल को अच्छा करते हैं और उसके बाद आप मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब करने के बजाय आप उनके पास घर बैठे आप उनसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आप फ्रीलांसर के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना के एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे भी आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आपने इंटरनेट पे अगर कोई भी वेबसाइट कोई भी आइडिया लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको एसईओ का आना मस्ट है। सपोज सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं वो है गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस से हम अर्निंग कैसे करें, उसके लिए तो एक वेबसाइट चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक क्योंकि गूगल पार्टनरशिप आपको तब देता है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे विजिटर्स हों, कम से कम 1000 विजिटर्स पर डे आपको हों और आप उनकी पॉलिसीज के मुताबिक आपकी वेबसाइट आ रही हो तो उनके इंजीनियर्स तब आपको अप्लाई आपको देते हैं कि आप एडसेंस अप्लाई करें और उनके इश्तेहारात आपकी वेबसाइट पर चलते हैं और उनको क्लिक्स पड़ते हैं जिसके थ्रू आपको अर्निंग आती है। उसमें 60% गूगल एड्स गूगल खुद लेता है जबकि 40% आपको उसमें कमीशन देता है। लेकिन उसके लिए भी एसईओ का आना जरूरी है कि आप एसईओ करें और अपनी वेबसाइट को रैंक करें मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर जिससे आपको ट्रैफिक मिले और आप अर्निंग कर सकें। तो सेकेंड ऑप्शन भी फर्स्ट ऑप्शन के साथ मस्ट है हर फील्ड के अंदर। नेक्स्ट कॉन्टेंट राइटिंग थर्ड ऑप्शन। कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है, कंटेंट राइटिंग से मुराद के एक बंदे की इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रांग है, उसने एम इंग्लिश किया है, उसके सेंटेंस अच्छे हैं, उसकी ग्रामर अच्छी है तो अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स लिख सकता है। तो बहुत सी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन आपसे रिक्वायर्ड करती हैं कि हमें आर्टिकल्स लिख के दिया जाए तो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप एसईओ फ्रेंडली अगर आपको आर्टिकल्स आते हैं तो हमारे पास ही कॉन्टेंट राइटर मौजूद हैं, हमारी कंपनी भी हायर करती है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको कंपनियां ऑफर करती हैं कि हमें कंटेंट्स लिख के दें क्योंकि अच्छा कंटेंट राइटर मिलना नहायत ही मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग का इस्तेमाल। अगर आपने एसईओ करनी है, आपने वेबसाइट को रैंक करना है, उसके अंदर आपको आर्टिकल चाहिए या अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको आर्टिकल्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट राइटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कि आप YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं। YouTube का अगर आपको वीडियोस बनाने का शौक है, अच्छी और प्रोफेशनल वीडियोस बनाने का शौक है तो आप वीडियोस की SEO करना सीखें YouTube के ऊपर और वहाँ से आप Google के साथ पार्टनरशिप करते हैं और वहाँ पे वो जो कमर्शियल्स होती हैं वो आपकी चैनल के ऊपर मोनेटाइज हो जाती हैं। वीडियोस जो आपके चैनल्स के ऊपर वीडियोस के ऊपर दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे शो होती हैं वीडियोस, उन वीडियोस के थ्रू आपको गूगल पेमेंट करता है पर मंथ के हिसाब से। उसके लिए भी उसका क्या प्रोसीजर है कैसे है उसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया है गूगल एडसेंस कोर्स, उस आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आखिर में आपको आइडिया बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बना के आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सपोज कि आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की करते हैं या आप कोई भी किसी किसी का एक आइडिया लॉन्च करते हैं तो आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। डेफिनेटली आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग के लिए आपको गूगल एडवर्ड का आना ज़रूरी है। अगर आप गूगल एडवर्ड आता है तो आप फौरन उसके ऊपर बगैर एसईओ किए भी आप उसके ऊपर एड चलाएं और उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आएँ और अपने क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट सेल करें उससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दो से तीन एग्जांपल्स देता हूं जो लोग घर बैठे
अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आप अब्दुल वली का चैनल देख सकते हैं, वो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करता है गूगल एडसेंस से, यूट्यूब से, और वो मंथली तकरीबन 3 to 4 months लाख रुपीस पर मंथ कमाता है, ठीक है, वो गूगल एडसेंस के थ्रू कमाता है, ठीक है, लेकिन उसको एसईओ अच्छी आती है, उसको वीडियोस बनानी अच्छी आती हैं और उसका उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरी बी टेम्पलेट्स आप वेबसाइट देखें, ये भी 5 से 7 lakh रुपये पर मंथ एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करके देती है। इस तरह की हमारी वेब है, ये भी इसके ऊपर भी एडसेंस के थ्रू वो कंपनी बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। इस तरह मुख्तलिफ और आइडियाज़ हैं कि जिनके थ्रू, यानी कि मैं अगर आपको आइडियाज़ देना शुरू करूँ तो कम से कम 1001 आइडियाज़ हैं नेट के ऊपर पैसे कमाने के, कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ स्किल हो, जैसे मोज एक कंपनी है, वो एसईओ की सर्विसेज देती है, सर्विसेज से मुराद के वो आपको रिपोर्टिंग देती है, मॉनिटरिंग देती है और पेड उसके पैकेजेस देती है, वो उस पेड पैकेजेस से आप खुद अर्निंग कर रही है। इस तरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे द्रोज का आपने नाम सुना, ये ऑनलाइन शॉपिंग की है, ये भी क्या एडवर्टाइजमेंट कर रही है, प्लस अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है ऑनलाइन, ये भी उससे पैसे कमा रही है। इस तरह कम से कम 1001 किस्म के आइडियाज हैं जिनके थ्रू आप मेक मनी ऑनलाइन, यानी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपका वे ठीक हो, आपको प्रॉपर एक चीज का पता हो कि आपने किस तरीके से मार्केट को टारगेट करना है। तो आप हमारा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।